नमस्कार बच्चों, आज हम राग जौनपुरी सीखेंगे। राग जौनपुरी आसावरी थाट से उत्पन्न रागों में एक बहुत ही मधुर राग है। इसके बारे में कहा जाता है, कोमल गमधनी तीख रिखव, यानी जिस राग में ग, ध और नी कोमल लगते हैं, यहाँ ग म ध्वनि बोला गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि म जो है जब अपने शुद्ध रूप में होता है तो उसे कोमल म ही बोलते हैं, जब वो विकृत होता है तो वो तीव्र मध्यम कहलाता है। कोमल ग म ध्वनि जिस राग में लगते हैं और रिखभ यानी रे तीखा है यानी शुद्ध है, कोमल नहीं है। चढ़त गंधार न होई, जिस राग में चढ़ते समय या आरोह करते समय गंधार नहीं लगाया जाता है, वर्जित है गंधार। ध ग वादी संवादी ते, जिस राग में ध वादी है और ग संवादी है। जौनपुरी कही सोई, उसे जौनपुरी राग कहा जाता है। जौनपुरी राग आसावरी थाट से उत्पन्न होता है और इसके आरोह में अभी मैंने बताया गंधार स्वर नहीं लगता है और अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, अर्थात इसका आरोह जो है गंधार से वर्जित है, छह ही स्वर लगते हैं और अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति षाढ़व संपूर्ण है। वादी स्वर धैवत यानी ध और संवादी स्वर गंधार है। इस राग का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। इससे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता राग है बच्चों आसावरी। राग आसावरी आसावरी थाट का आश्रय राग है, लेकिन एक मोटा मोटा अंतर दोनों रागों में है कि आसावरी के आरोह में निषाद वर्जित होता है और जौनपुरी के आरोह में निषाद बिल्कुल स्पष्टतः लगाया जाता है। अतः दोनों रागों में हम अंतर कर सकते हैं। तो आइए अब हम राग जौनपुरी गाते हैं। इसका आरोह अवरोह कुछ इस प्रकार है। तानपुरे में स्केल ए आप लोग लगा लीजिए, अपना तानपुरा आप लोग ट्यून कर लीजिए स्केल ए में। अब आप लोग भी गाइए सा रे मा पा ध रे सा सा ने ध पा पकड़ म प नि ध प ध म प ग रे म प। आप लोग गाइए म पा
रे मा पा। ये थे इसके आरोह अरोह अवरोह और पकड़। और अब हम इस राग के स्वरों का अभ्यास करेंगे, तो उस अभ्यास के लिए स्वरमालिका या सरगम बहुत ही हेल्पफुल रहती है, बहुत स्वरों पर पकड़ मजबूत होती है सरगम गाने से। तो आइए गाते हैं जौनपुरी की सरगम। यह ताल त्रिताल में निबद्ध है और तीसरी ताली से यानी तेरहवीं मात्रा से यह शुरू हो रही है त्रिताल। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एक दो, त्रिताल में सोलह मात्रा होती है और तेरहवीं मात्रा से आरंभ। ए म प नि धा दा पा पा मा पा धा पा ग ग रे सा। रे म प नि धा दा पा पा मा पा धा पा ग ग रे सा। रे म प नि धा दा पा पा मा पा धा पा ग ग रे सा। रे म प नि धा दा पा पा मा पा धा पा ग ग रे सा। रे सा ध प मा प मे सा रे मा धा पा ग ग रे सा। रे सा ध प मा प मे सा रे मा धा पा ग ग रे सा। रे मा प नि धा दा पा पा ग ग रे सा। रे मा प नि धा दा पा पा मा पा धा पा ग ग रे सा। रे सा ध प मा प मे सा रे मा धा पा ग ग रे सा। रे मा प नि धा दा पा पा मा पा धा पा ग ग रे सा। मा प धा नि रे मा प नि धा दा पा पा मा पा धा पा ग ग रे सा। रे मा प नि धा दा पा पा मा पा धा पा ग ग रे सा। रे मा प नि धा दा पा। तो आज हमने राग जौनपुरी का परिचय, आरोह अवरोह पकड़ और सरगम का अभ्यास किया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके और गीत प्रकार, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, ताने आलाप आदि सिखाऊंगी। तब तक आप लोग निरंतर अभ्यास रखिए। धन्यवाद।